और आप सबने अपने चैनलों में दिखाया है, नड्डा जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि जब भी भारतवर्ष में भारत के वैज्ञानिक और भारत के जो इनोवेटर्स उनके माध्यम से कुछ नया आविष्कार होता है, कुछ ऐसा इजाद होता है जिससे कि जन कल्याण होने की संभावना होती है, उस समय कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन दुखी नजर आती है और कुछ ऐसे थ्योरीज और कुछ ऐसे विषय सामने रखती है जिससे ये जो आविष्कार है, जिससे जो भारत का विषय है वो गौण हो सके, वो छोटा हो सके। आदरणीय नड्डा जी ने यह भी पूछा है कि कांग्रेस को और तमाम राजनीतिक पार्टी जो इस पर सियासत करने की कोशिश कर रही है, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए, उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आखिर वो इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं जिससे कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है उनको लाभ हो सके। बंधुगण, आज आप अगर विदेश के अखबारों को देखेंगे तो विदेश के अखबारों में कई जगह छपा हुआ है कि भारत ने इंडिजिनस वैक्सीन तो बनाया किंतु भारत के अंदर इसको लेकर द्वंद हो रहा है। इससे लाभ किसको होगा? इससे लाभ विदेशी ताकतों को होगा, इससे लाभ बाहरी लोगों को होगा, इससे हानि किसको होगा? इससे हानि हमारे देश को होगा, हमारे देश के वैज्ञानिकों के बल को होगा, उनके आत्मबल को होगा, आत्मविश्वास को होगा। आखिर कांग्रेस और ये ऑपोजिशन पार्टी जो भारत के वैज्ञानिक, भारत के साइंटिस्ट, उनके आत्मबल को, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ना क्यों चाहते, क्या कारण? ये सारी चीजें आदरणीय नड्डा जी ने पूछा है। नड्डा जी ने यह भी कहा है कि जो हमारे वैज्ञानिक है वो बधाई के पात्र है, जिस प्रकार एक वर्ष के अंदर ही कोविड के आने के, दिसंबर के माह 2020 में कोविड आया था और एक वर्ष के अंदर ही सघन प्रयोग और शोध कार्य करके हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे आविष्कारकों ने जिस प्रकार से दो वैक्सीन का यहाँ निर्माण किया है, ये अपने आप में हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। पूरा देश आज खुश है, द होल कंट्री इज हैप्पी। जब पूरा देश खुश है तो सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और कुछ राजनीतिक दल दुखी क्यों है। बंधुगण, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि देश खुश है और कांग्रेस पार्टी नाराज, कई बार ऐसा हो चुका है। आज जब ये वैक्सीन आया है, कोविड पर प्रहार होगा, दो वैक्सीन आए हैं, उनके प्रोटोकॉल के विषय में देश के वैज्ञानिकों ने बात भी की है, आईसीएमआर ने बात की है, डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ ड्रग्स ने बात की है, उन सब ने बात की है। दो प्रजाति बहुत परेशान है वैक्सीन आने के बाद, कोरोना वायरस बहुत परेशान है और कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान। समझ में आ रहा है कोरोना वायरस क्यों परेशान? क्योंकि कोरोना वायरस के दिन अब गिने चुने रह गए। कांग्रेस क्यों परेशान है? इसका जवाब कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। कांग्रेस और कोरोना दोनों परेशान है। बंधुगण, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, समय समय पर हमने कांग्रेस को म्यूटेंट वैरायटी में बदलते हुए देखा है। कांग्रेस का म्यूटेशन होते रहता है और एक से बढ़कर एक भयंकर रूप कांग्रेस समय समय पर धारण कर। मैं सारे म्यूटेंट वैरायटी जो कांग्रेस पार्टी के हैं, समय समय पर उन्होंने किस प्रकार भ्रमजाल फैलाने की कोशिश इस देश में किया है उसके विषय में बताऊंगा। इस देश में जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, देश जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब कांग्रेस पार्टी को हमारे आर्मी के ऊपर भरोसा नहीं होता है, उनको सबूत चाहिए। जब एयर स्ट्राइक होता है तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को, खास करके लेफ्ट को, इंडियन एयरफोर्स पर भरोसा नहीं होता, उनको सबूत चाहिए होता है। जब हिंदुस्तान में चुनाव होता है और कांग्रेस पार्टी जीतती है, हारती है, कुछ राज्यों में जीती भी, नतीजे चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी को ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं होता है। वो लंदन तक जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, आपको याद होगा, कपिल सिब्बल लंदन तक चले गए। जब इस देश में कोई जजमेंट आता है, आपको याद होगा राफेल का जजमेंट आया, तो कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे भरोसा नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इम्पीच करने की कोशिश करते हैं। और तो और, जब राम सेतु पर चर्चा होती है इस देश में, तो कांग्रेस को भगवान श्री राम पे भी भरोसा नहीं होता, वो कहते हैं राम डज नॉट एग्जिस्ट। किसी में भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी, न भगवान राम पे भरोसा है, न इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है। और जब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र और IMF ये कहती है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहती है कि भारत एक चमकता हुआ सितारा है इकोनॉमिकली,
इकोनॉमिक फ्रंट पे, तो कांग्रेस पार्टी कहती है ये सब मिले हुए, ना संयुक्त राष्ट्र पे भरोसा है, ना WHO पे भरोसा है, ना IMF पे भरोसा है। जब जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताती है तो जनता पर भी कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं होता है। वैक्सीन जब आता है तब वैक्सीन में भरोसा नहीं होता। जब हिंदुस्तान की जनता कोरोना वॉरियर के प्रोत्साहन के लिए ताली और थाली और दीप का सहारा लेते हुए उन्हें प्रोत्साहित करती है तो कांग्रेस पार्टी को कोरोना वॉरियर पे भरोसा नहीं होता। आखिर कांग्रेस पार्टी का भरोसा किस पे? बंधुगण, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र सहारा और उनका केवल और केवल विश्वास गांधी परिवार को छोड़ के और किसी पे नहीं। उनके लिए सर्वस्व गांधी परिवार है, सब कुछ गांधी परिवार है। बस ना आर्मी कोई है, ना वैज्ञानिक कोई है, ना सुप्रीम कोर्ट कुछ मायने रखता है, केवल और केवल गांधी परिवार। कहां है राहुल गांधी? छुट्टी बिताने बाहर गए हुए हैं खुद, और यहां पर रिवर मॉन्गरिंग करवा रहे हैं, यहां पर भ्रम फैला रहे हैं। आप बताइए, इस प्रकार की बातें इतने गंभीर विषय को लेकर होनी चाहिए? जो र्यूमर्स होती है वो जंगल की आग की तरह फैलती है। र्यूमर्स स्प्रेड एज वाइल्ड फायर, एंड इन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन वी शुड बी कंफर्टिंग द पीपल ऑफ द कंट्री, व्हेन वी शुड बी टॉकिंग अबाउट द ट्रुथ, व्हेन वी शुड हैव अ साइंटिफिक बायस टुवर्ड्स व्हाटएवर वी टॉक, व्हेन वी शुड इनफैक्ट बी सपोर्टिंग साइंटिफिक एडवाइसेस गिवन बाय सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री, when we should be talking about confidence, instilling confidence in people of India, we have the Congress Party, Shashi Tharoor, Jairam Ramesh, many others who in fact have been trying their best to rear monger, who have been lying, who have been trying to cause some kind of chaos in this country. Is desh mein bhram phailana chahte hain, aur keval Rahul Gandhi aur Congress Party nahi, Akhilesh Yadav ji, wo do do acche ladke, ये दो अच्छे लड़के बने हुए थे ना, साइकिल पर बैठ के चल रहे थे दोनों साथ में, फिर बाद में साइकिल से उतार, ये दोनों का एक जैसा था। अखिलेश जी कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊ। वैक्सीन कोई बीजेपी की और कांग्रेस की होती है? वैज्ञानिकों ने ये शोध के बाद ये वैक्सीन बनाया है, जन कल्याण के लिए वैक्सीन बनाया है। और आपको जान के खुशी होगी, भारत में आज ये क्षमता है कि बाहर के देश किस प्रकार ये वैक्सीन हिंदुस्तान की फैक्ट्री में निर्माण हो सके उसके लिए हिंदुस्तान को ऑर्डर दे रही है। और खुद हिंदुस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं, विश्व भरोसा कर रही है हिंदुस्तान, संयुक्त राष्ट्र और WHO भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है हिंदुस्तान। और यहां हिंदुस्तान के नेता राहुल गांधी इत्यादि अखिलेश जी ये हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, ये किस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ये हम पूछना चाहते हैं। बंधुगण, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के VG सोमानी जी, COVID-19 सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, ICMR से डॉक्टर बलराम भार्गव जी जो DG है, हेल्थ मिनिस्ट्री, इन सभी ने पूरे विषय का जायजा लेते हुए कोई भी शंका किसी के मन में भी हो उन शंकाओं का निवारण किया है, उसका जवाब दिया है, तथ्यात्मक रूप से सत्य को जनता के सामने प्रतिपादित किया है। उसके बावजूद इस प्रकार के झूठ को फैलाने, इस प्रकार भ्रमजाल बुनने की जो कोशिश की जा रही है, जनता इसको देख रही है। और यही कारण है कि जब जनता खुश होती है, जन कल्याण का काम होता है और कांग्रेस पार्टी नाराज होती है, कांग्रेस को भरोसा नहीं होता है, यही कारण है कि जनता आज कांग्रेस को बाहर छोड़ने के लिए मजबूर हो रही है। जनता आज कांग्रेस को कहीं न कहीं देश के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर धकेल रही है। आपको किस पे भरोसा है? इन सभी जो संगठनों का मैंने नाम लिया, जो वैज्ञानिक संगठन या ये नोबेल लॉरेट शशि थरूर, नोबेल लॉरेट राहुल गांधी, नोबेल लॉरेट रमेश, नोबेल लॉरेट अखिलेश यादव, और कोई कल उनका नेता कह रहा था कि कोई वैक्सीन लेने से नापूस, ऐसी भाषा का आप इस प्रकार से लोगों को डरा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। बंधुगण, मैं लास्ट में कांग्रेस पार्टी से इतना ही कहूंगा कि आपसे तो आपका घर नहीं संभल रहा है, आप वैक्सीन संभालने चले, इतना ही आपको लगता है आप सक्षम है, तो पहले फेज 1 का ट्रायल करिए कि आपके पार्टी में अध्यक्ष कौन बनेगा,
20 लोग कुल मिलाकर वो कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी में है, तो 20 लोगों में भी उनका फेज वन का ट्रायल अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, वैक्सीन आ गया है, कोविड समाप्त तो हो जाएगा, ये दिन भी हम देखेंगे, अच्छा दिन ये भी देखेंगे, मंगल ग्रह में पानी भी मिल जाएगा, चंद्रमा में भी लोग बस जाएंगे, ये सब कुछ हो जाएगा, सारी बीमारियां उनकी वैक्सीन आ जाएगी, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, इस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा। मैं केवल और केवल इतना कहना चाहता हूं, जनता को मोदी जी के नेतृत्व पर, भारत के वैज्ञानिकों पर भरोसा है। कांग्रेस पार्टी पहले भरोसा अपने घर के अंदर ढूंढे, पहले अपना